Hey friends, what's up? It's TC here with another video, and this time it's 19028 Jammu Tawi Bandra Terminus Vivek Express. So guys, आज की हमारी जर्नी जो है अहमदाबाद स्टेशन से मुंबई की रहेगी. मतलब पूरा हम मुंबई तक नहीं जाएंगे, जहाँ तक भी जाना होगा हमें वहाँ तक पहुँच जाएंगे. बट अभी हमारा काम क्या है, हमारी जो विवेक एक्सप्रेस है अहमदाबाद स्टेशन पर पहुँच रही है विद वाटवा शेट WDM3 है. यहाँ पे हमें लोको चेंज करना है फ्रॉम डीजल लोकोमोटिव टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव. एंड गाइस, ये मेरी अपकमिंग एक्टिविटी भी होगी ऑन www.trainsim.com. इसका इस काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं था, ना यूट्यूब पे ना व्हाट्सएप पे प्रॉपरली मैं कोई एक्टिविटी भी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया. फाइनली मेरी विवेक एक्सप्रेस कंप्लीट हुई. अब मैं अगली एक्टिविटी बनाऊँगा, वो मैं शायद किसी पब्लिक रिलीज्ड रूट पर बना सकता हूँ. एंड गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खंडेश रूट का जो लेटेस्ट अपडेट है वो अहमदाबाद से वडोदरा का है, तो हमारी जो ये एक्टिविटी है ये भी आपको अहमदाबाद से वडोदरा तक मिलती है. आपकी ट्रेन अभी अहमदाबाद में अराइव करती हुई दिखाई जाती है, एंड काफ़ी ट्रैफिक रहता है अहमदाबाद स्टेशन में. तो अगर आपका PC थोड़ा मतलब लो स्पेक्स का है, तो मे बी यहाँ पे एंट्री करते वक्त आपका FPS काफ़ी मतलब ड्रॉप हो सकता है. तो कोशिश करें कि थर्ड नंबर वाले कैम्प पर अपना कैम्प व्यू रख दें गेम में, एंड अपनी विवेक एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म तक जाने दें. जैसी हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म में फिट हो जाएगी, मतलब पहुंच जाएगी, एंड तक पहुंच जाएगा हमारा लोकोमोटिव, तब हम अपनी ट्रेन को रोक देंगे एंड देन करेंगे भाई अपना लोको चेंज फ्रॉम WDM3A to WAP7. गैस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम होता है, मतलब 2 बजे के करीब कुछ ऐसा ही होता है इसका डिपार्चर टाइम आई थिंक अहमदाबाद स्टेशन से, तो वही अब अपना इस एक्टिविटी में रहेगा. ये आप देख सकते हैं लिखा है अवॉइड 10 km/h स्पीड. जैसे कि आप सभी देख सकते हैं जो हमारी अहमदाबाद स्टेशन में लिमिट दी गई है वो 10 km/h की है स्टेशन में, तो हमसे कहा गया है कि उसे इग्नोर करें एंड आपकी अब मैक्सिमम स्पीड जो है स्पीड लिमिट वो 30 km/h रह सकती है. एंड अहमदाबाद स्टेशन को हमें 2:05 से पहले या उसी टाइम पर डिपार्ट कर देना है विद अपनी ट्रेन विद WAP7. तो चलिए अभी तो ब्रेक्स लगा लेते हैं, नहीं यार अपना सिग्नल ब्रेक हो जाएगा. एंड ये आप देख सकते हैं जैसे ही हम अराइव करे हैं अहमदाबाद स्टेशन में, कोई राइट हैंड साइड से ट्रेन ने डिपार्ट कर दिया है. तो इससे क्या होगा कि हमें अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा अपने सिग्नल के लिए. ऐसे जो हमारी ट्रैक है वो आगे जाके राइट हैंड साइड वाली ट्रेन जिस ट्रैक पर चल रही है उससे मर्ज हो जाती है. भाई अपने पैसेंजर्स भी नहीं बैठ रहे हैं. जी हाँ, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारे पैसेंजर सब बैठने लगे हैं, इनको बैठने देते हैं. ज़्यादा मतलब मैं आपको वेट नहीं कराता. एस यार, अहमदाबाद स्टेशन में 10 km/h की लिमिट है, हमें तो ऑर्डर मिल चुका है कि 30 आप एक्सीड कर सकते हैं, बट ट्रैफिक ट्रेन्स पूरा रूल फॉलो करती हैं, वो 10 km/h से ज़्यादा नहीं जाएंगी. तो ये राइट हैंड साइड वाली ट्रेन को जाने में कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो उतना वेट नहीं करते. मैं आपको सीधा जैसे ही अपने को क्लियरेंस मिल जाएगा, जब ये राइट हैंड साइड वाली ट्रेन ब्रिज क्रॉस कर देगी जो हमारे सामने दिख रहा है, तब इस वीडियो को फिर से प्ले कर दूंगा. वो आप देख रहे होंगे 17018 सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस अराइव कर रही है एट अहमदाबाद स्टेशन. इस ट्रेन का टाइमिंग भी गाइस बिल्कुल सही है, 1:55 पे आती है ये दोपहर को, और उसी एग्जैक्ट टाइम पे इसकी एंट्री हुई है अहमदाबाद स्टेशन में. मतलब थोड़ी रियलिटी हो गई अपनी एक्टिविटी में. ये अगर आपके पास खंडेश रूट है जो कि अपडेटेड वर्जन है अहमदाबाद वडोदरा का, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं एक्टिविटी. एंड सो गाइस, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं जो हमारे राइट हैंड साइड वाली ट्रेन थी उसने जो है ब्रिज से क्रॉसिंग कर लिया, मतलब उस ब्रिज को परफेक्टली क्रॉस कर दिया है. तो अभी हम क्या करेंगे, F9 दबाएंगे, अपने लोकोमोटिव को डीकबल करेंगे अपनी ट्रेन से. ये किया हमने भाई डीकबल,
एंड देन क्या करना है हमें, आगे जाना है अपने वेब 7 के पास। टैब दबा दिया है सिग्नल की परमिशन के लिए एंड अब हम रख देंगे अपना 13% थ्रॉटल पावर। भाई ब्रेक्स तो रिलीज कर लो तभी तो जाएगा आगे। चलिए अपना वाटवा शेड का 16829 WDM3A लेके चलते हैं। हल्के हल्के सिग्नल हमने ले लिया है, मतलब टैब दबा के परमिशन उससे क्रॉस करने की, वरना अपना सिग्नल ब्रेक हो सकता था या फिर अपने को सिग्नल ही नहीं मिलता। आप यहीं पे खड़े रह जाओगे अगर आपने टैब के लिए परमिशन के लिए टैब नहीं दबाया तो। एंड गाइस ये जो लोकोमोटिव मैं अभी चला रहा हूँ ये ब्रॉडगेज प्रोडक्शन जी का लेटेस्ट लोकोमोटिव है, WDM3A रीबिल्ट। ये आप उनसे परचेज कर सकते हैं, पेवेयर लोकोमोटिव है, फ्री वेयर नहीं है, किसी भी साइट पे आपको नहीं मिलेगा। आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहें तो उनके व्हाट्सएप पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के नाम से उनका पेज है ऑन फेसबुक। और ये भाई अहमदाबाद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड में BRC शेड का अमूल V5 खड़ा है आई थिंक। जी हाँ अमूल V5 तो है बट आई थिंक अपना जो था वो शेड के लिए था, ऐसा मेरे को शेड का नहीं पता कौन सा होगा। एंड आई थिंक गाइस V5 सिर्फ दो शेड के पास ही हैं, एक वडोदरा एंड गाज़ियाबाद, पता नहीं और किसी शेड के पास एग्जैक्टली मेरे को ध्यान में नहीं है। After coupling the e-loco, do not forget to change locomotive. भाई हमें क्यों बता रहे हो, हमें तो पता है कि जैसी कपल करेंगे हम भाई अपना लोको चेंज कर लेंगे। While reversing, press tap for signal. तो चलिए अभी भाई ब्रेक लगा लो, ठुकना नहीं चाहिए लोकोमोटिव। अरे यार लगता है अपना जो लोको है वो कपल नहीं हुआ था एंड हमने ना गाइस, चलिए कपल भी हो गया, वाओ यार अपना मतलब ब्रेक्स काफ़ी अच्छी जगह लगे हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, लोको चेंज कैसे करना होता है इस गेम में। रिवर्सल लगाया न्यूट्रल में, ब्रेक्स कर दिया पूरे रिलीज और अब कुछ नहीं करना, बैठे रहना है और कंट्रोल प्लस ई दबा देना है, हो गया अपना कैप चेंज। तो अब आप देख सकते हैं मैंने पी प्रेस किया तो अपना वेब 7 का पेंटोग्राफ ऊपर हो चुका है, क्योंकि अपना जो अब लोकोमोटिव है वो है वेब 7। तो भाई हमें क्या करना था, इस लोको को कपल करना था, कैप चेंज हो चुका है, अब हमें क्या करना है टैब दबाना है सिग्नल के लिए एंड पीछे जाना है इस VTA WDM3A को लेकर। आपने देखा होगा राइट हैंड साइड में एक ट्रेन खड़ी हुई थी ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, मतलब जो स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड में एक ट्रेन खड़ी रहती है, उसके साथ इस VTA WDM3A को ले जाके कपल कर देना है। एंड मे बी मैं ट्राई कर सकता हूँ कि फ्यूचर में कभी एक ऐसी एक्टिविटी बनाऊँ जहाँ पे अपना ये VTA WDM3A उस ट्रेन के साथ कपल होता हुआ दिखेगा एंड वही अपनी प्लेयर सर्विस हो सकती है नेक्स्ट, एंड विवेक एक्सप्रेस का डिपार्चर भी देखने मिल सकता है। मतलब गाइस एक तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अहमदाबाद स्टेशन पे अपना क्रू चेंज हो चुका है, लोको चेंज के साथ क्रू चेंज भी। वैसे ऐसा ओपन रेल्स में होता तो नहीं है कि आपका ड्राइवर चेंज होते हुए दिखाए जाए। और भाई अपना वाटवा शर्ट का WDM3 ये चल रहा है अभी, जैसे भी चल रहा है भाई 30 km/h एक्सीड नहीं करनी है, जितनी हमें मैक्सिमम स्पीड दी गई है उतनी ही करेंगे। एंड बाय द वे गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा टाइम से ना लेट चल रहा हूँ, तो चलिए एक काम करते हैं, जैसे ये लोकोमोटिव को कपल कर देंगे उस ट्रेन से तो थोड़ी मतलब हाई स्पीड में चल रहे हैं आगे वेब 7 के साथ, 30 की जगह 40 या 50 पे आगे चल रहे हम। इसका जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि 2:05 तक यहाँ से आप निकल जाएं। ऐसे जो शताब्दी है ना जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है उसका डिपार्चर का 2:10 या 15 पे हो ही जाना है अहमदाबाद से, और अगर वो पहले गई तो आपका बीच में ओवरटेक चांस है ही नहीं। यहाँ पे अपने को भाई फिर से मैसेज आ चुका है, आफ्टर डी कपलिंग दी डी लोको विद दी एम्प्टी रेक यू माइट गेट रेड सिग्नल, डोंट वरी जस्ट क्रॉस इट विद योर ई लोको, इट वॉन्ट अप्लाई एमरजेंसी ब्रेक्स एंड आफ्टर कपलिंग दी लोकोमोटिव विद एम्प्टी ट्रेन मूव दी होल रेक अ बिट बैकवर्ड्स। ओके भाई अभी तो ब्रेक्स लगा लेते हैं वरना अपना लोको ना जाके ठोक देगा ट्रेन को, इतने भी ब्रेक्स नहीं लगाने कि अपना
लोकोमोटिव भी रुक जाए। तो चलिए गाइस, वाट वन शर्ट की WDM3A को इस पीछे वाली रेक से कपल करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, थोड़ी रेक को पीछे भी कर देना आप सभी, क्योंकि गाइस जो आपका रिवर्सर पॉइंट है वो वैनिश नहीं होगा अगर आप इस ट्रेन को ऐसे ही छोड़ जाएंगे तो इसलिए हमें अगर वो रिवर्सर पॉइंट वैनिश कराना है तो इस ट्रेन को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, 22 मीटर मेरे को ये ट्रेन को पीछे करना है। ये आप देख रहे होंगे ट्रेन बोर्ड काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस लिखा है, ऐसा मत समझिए कि काशी विश्वनाथ अहमदाबाद में पहुंच गई। वो है तो ट्रेन बोर्ड काशी विश्वनाथ का ही, बट अपने को इमेजिन करना पड़ेगा कि कोई और ट्रेन है। तो चलिए 5 मीटर के बाद लगाते हैं यार ब्रेक्स, एंड ये लग गए हमारे ब्रेक्स क्योंकि हमने ट्रेन कर दी है पूरी पीछे। भाई ब्रेक्स लगाओ, ये ट्रेन लगता है अपने को छोड़ के जाना नहीं चाहती। वो आप देख सकते हैं 12010 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी हुई है ऑफ अहमदाबाद स्टेशन। तो चलिए अब अपना जो डी लोको है इसे यहीं पर डीकपल कर देंगे, इसे बाय बाय कर देंगे। एंड पता नहीं यार अपने लोकोमोटिव के जो हैं ब्रेक पाइप में से आवाज़ क्यों आने लगी। एंड गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि रेड सिग्नल मिल सकता है, उससे मतलब इतना डरे नहीं, क्रॉस कर दें इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं लगाता हूँ भाई अपना थ्रॉटल पावर 7% और चलते हैं अब यहाँ से। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारे इमरजेंसी ब्रेक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे हैं और हमें चलते रहना है अपने अगले रिवर्सर पॉइंट पर। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि थोड़ी 30 से ऊपर जा सकते हैं, तो 40-50 की स्पीड में चलते हैं यार। जी हाँ, 10 km/h की स्पीड में हम 40 km/h की स्पीड पर अपनी ट्रेन चला रहे हैं। पता नहीं भाई अपना क्या होने वाला है इंडियन रेलवेज में। तो चलिए यार कोशिश करते हैं कि इस अहमदाबाद स्टेशन से 2:07 पर कुछ भी करके निकल जाएं। बस कर ही देंगे, हम निकल ही जाएंगे। हमारा वडोदरा वेब 7 आई भी भाई, अच्छा आई है, मैं यार वेब 7 कह रहा था काफ़ी टाइम से। एंड तो चलिए अपना रिवर्सर पॉइंट फिनिश हो चुका है, फिर से रेड सिग्नल दबाया टैब और निकलेंगे यहाँ से अब वापस में, रिवर्स मारेंगे अब। ओ भाई आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। तो चलिए अब विवेक एक्सप्रेस को कपल करने चलते हैं एंड विवेक एक्सप्रेस के साथ जाएंगे बांद्रा टर्मिनस की तरफ। बट अपनी जो मैक्स लास्ट डेस्टिनेशन है वो है वडोदरा स्टेशन, एंड आई थिंक गाइस आप सभी उसको वडोदरा भी कहते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या कहते होंगे, बट वडोदरा ऐसी कुछ है। तो चलिए इसी स्पीड में जाने देते हैं अपने लोकोमोटिव को अपनी ट्रेन के पास, जहाँ तक है थोड़े से किलोमीटर दूर है, किलोमीटर भी क्या यार, मीटर में होगी जहाँ तक है। बाय द वे गाइस ऐसे लाइट लोकोमोटिव वो भी अहमदाबाद में मूव करते होंगे तो काफ़ी हॉन्किंग भी रहती होगी। इसका अहमदाबाद कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है, अहमदाबाद जंक्शन। भाई पीछे जाना था, कहाँ रोक लिए हो अपने वेब 7, ये मस्ती में आ गया यार, ये तो ट्रेन लोकोमोटिव ही रोक दिए। लगता है ये गुस्सा हो गए कि 10 km/h की स्पीड में तुम मुझे को किस स्पीड में चला रहे हो। भाई अपनी ट्रेन पास आ रही है, ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना कि हाई स्पीड में हम कपलिंग कर दें। तो चलिए 8 दबा के फ्री मूव कर लेते हैं अपने कैमरा को
एंड अब हमें पता चल गया कि अपना ईओजी का है भाई, स्पीड मतलब स्पीड में कपलिंग नहीं करनी। अरे यार अपना मतलब वो भी चेंज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अपने को इतना तो पता है कि पहले ट्रेन को कपल करना है फिर लेके जानी है। अरे यार 5 की स्पीड में हमने कपलिंग कर दी। चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस हो ही गया। तो चलिए बाय बाय VTA WDM 3AG, आप खड़े रहिए अपनी अगली ड्यूटी के लिए, हम चले विवेक एक्सप्रेस लेके। बजाते हैं अपना डिपार्चर का हॉर्न एंड लेके चलते हैं अपनी ट्रेन को। तो चलिए रिवर्सल लगाया हमने फॉरवर्ड में, ब्रेक्स कर लिए चेक, रिलीज है अपना पेंटोग्राफ सही है पूरा, मतलब है टच है अपनी ऊपर वाली वायर से, उसे बस इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। तो चलिए अब करते हैं थ्रॉटल पावर 30% एंड डिपार्ट कर देते हैं। एंड सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने देखा, मैंने 2:05 पर डिपार्चर का आप सभी से कहा था, बट अगर आप चाहें तो 2:07 में भी निकल सकते हैं। मतलब ऐसा करें कि अहमदाबाद मुंबई शताब्दी को पहले जाने ना दें। अगर ऐसा हुआ तो आपका आगे कोई ओवरटेक नहीं होगा। वडोदरा से पहले एक स्टेशन आता है, वहाँ पर आपको लूप लाइन में जाना है, तो वहाँ पर मतलब थोड़ा ट्रॉलिंग हो जाएगी फिर आपकी, बेवजह आपको लूप लाइन में दलवा दिया जाएगा, कोई ओवरटेक नहीं होगा आपका। तो चलिए अब यार जल्दी जल्दी डिपार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 10 km/h की स्पीड लिमिट है, तो 30 km/h पे आप निकल सकते हैं यहाँ से। चलो भाई विवेक एक्सप्रेस चलती रहो अब तुम। बाय द वे गाइस, अपने जो ये अहमदाबाद स्टेशन है, गेम में यार काफ़ी कम अपने को ट्रेन लगानी पड़ी है। ऐसे गाइस काफ़ी भाई लोग के जो PC होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते कि इतनी सारी ट्रेन्स को मतलब दिखा पाए अच्छे FPS में। मेरे को भी अभी सिर्फ 30 FPS मिल रहा है। वो गाइस अहमदाबाद स्टेशन इतना बड़ा है, यहाँ पर इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब गाइस इसको संभालने के लिए अपने को चाहिए होगा i9 RTX 2080, जो अभी न्यू आया है। पता नहीं गाइस 2080 आया है, कौन सा आया है, बट RTX की सीरीज़ में NVIDIA के न्यू ग्राफिक्स कार्ड आए हैं, वो यार अपने को मिल जाए ना ओपन रेस में तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कोई ट्रेन आ रही है, 12476 सर्वोदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस गोइंग टूवर्ड्स अहमदाबाद स्टेशन। एंड भाई हम भी मतलब चल ही रहे हैं, 30 की स्पीड मतलब अपनी मेंटेन हो रही है अभी। अब बड़ी 0.1 बड़ी यार, मैं भी तो कहूँ एग्जैक्ट कैसे हो रखी है। और ये एक LHB और BTPN के साइड में से निकल तो ये अपनी विवेक एक्सप्रेस जम्मू तवी बांद्रा टर्मिनस जाती है, जम्मू तवी से बांद्रा टर्मिनस। और अपनी यार डबल डेकर का EOG लगा पड़ा है इसमें, और वो है अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस का। चलिए गाइस कोई बात नहीं, अभी तो अपनी स्पीड पे कंसंट्रेट करते हैं। 50 km/h की स्पीड लिमिट हमें मिल चुकी है। तो चलो भाई अब आएगा मज़ा LHP का, क्योंकि गाइस ये जो अहमदाबाद से मुंबई का सेक्शन है, ये मतलब 130 km/h का मैक्सिमम स्पीड लिमिट है इसकी। एंड अक्षय गुप्ता जी ने मेरे को बताया था कि यार इस सेक्शन में सारी ट्रेन 130 नहीं करती, भले ही वो LHB हो या कुछ भी हो, भले कोई कुछ भी आ जाए, मतलब बुलेट ट्रेन भी आ जाए अभी के लिए, पर कोई ट्रेन 130 नहीं करती, सिर्फ एक्सेप्ट दी अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस। वो अप डाउन दोनों को मैंने इसी में कवर कर दिया कि वो जो करती है वो 130 की जर्नी करती है अपनी। हैप्पी एंड सेफ जर्नी, इंजॉय 125 km/h एक्शन। गाइस रियल में मतलब
ये जो ट्रेन रियल में चलती होगी, इस सेक्शन में ये पूरा मतलब 130 kmph का एक्शन नहीं करती होगी, बट आप गेम में ऐसा कर सकते हैं कि इसे मैक्सिमम 125 पर चला सकते हैं इजीली। अगर आप ऑटो पायलट पर भी करते हैं इस ट्रेन को, तो वो भी इसको 125 या 120 पर लेकर जाएगा। अक्षय गुप्ता जी ने बताया था कि बाकी सारी ट्रेन्स 110 और 120 के अंडर ही चलती हैं इस सेक्शन में, 130 और 125 सिर्फ शताब्दी एक्सप्रेस करती है। बस यही चीज़ मैं देख रहा था IRI में, इंडियन रेल इन्फो, जहाँ से मैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है वो ट्रेन्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वहाँ पे यार देखा मैंने कि इस विवेक एक्सप्रेस का वडोदरा स्टेशन पे यार टाइमिंग तो काफ़ी मतलब आगे थी, और जो अपने को दी गई है अपनी एक्टिविटी में वो मैक्सिमम 3:30 पे, मतलब ऐसे कुछ। और जो रियलिटी है, जो रियल में है, उसका टाइमिंग है 4:00 कुछ। तो गैस मैंने सोचा यार खंडेश रूट तो रियल डिस्टेंस पे बेस्ड है, तो अपना तो मतलब टाइम एकदम एग्जैक्ट रहना चाहिए। और तब मुझे याद आया कि अक्षय गुप्ता जी ने कहा था कि ये जो ट्रेन है पूरी मैक्सिमम 130 पे नहीं जाती है, इसीलिए इतना टाइम लगा, बट अपनी जो एक्टिविटी है वो पूरी 130 की रहेगी, इसीलिए हम 3:30 तक पहुंच सकते हैं वडोदरा स्टेशन में। एंड सो राइट नाउ आवर ट्रेन इज कैचिंग अ गुड स्पीड। अब ये भाई ICF की डेंजरस स्पीड हम क्रॉस कर देंगे 110, बट गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि यार अपना क्या सीन रहता है, 130 की लिमिट में 150 या और 150 की हुई तो 200, बट गाइस ट्रैक साउंड इज मेन, बस ट्रैक साउंड आनी चाहिए। अपनी विवेक एक्सप्रेस की आज की जर्नी 130 पर नहीं 140 पर रहेगी। इसका एक्टिविटी कंप्लीट है, आधी नहीं है, तो लेके चलते हैं आसानी से। मतलब ट्रैफिक भी ठीक ठाक मिलता रहेगा, ये आप देख सकते हैं जो अपोजिट साइड की ट्रैक है उसका सिग्नल स्टेटस है येलो। देखते हैं यार कौन सी ट्रेन आ रही होगी। तो ये करी हमने ओवर स्पीडिंग, गए अब हम 130 से ऊपर 131। बाय द वे गाइस अभी तो मेरा वेब 7 ऐसा कह रहा है कि आपकी जो मैक्सिमम स्पीड जा सकती है वो 150 के अराउंड चल सकती है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। एंड ये आप देख सकते हैं अभी हम कोई स्टेशन क्रॉस करने वाले हैं, एंड ये है वटवा स्टेशन। और ये भाई ट्रेन खड़ी है 59441 मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद पैसेंजर, जो कि किसी मालगाड़ी से ओवरटेकिंग खा रही है, मतलब ओवरटेक खा रही है। अरे रे भाई पैसेंजर ट्रेन के तो लग गए, तो चलिए अब अपने भी नहीं लगाते हम, मतलब मैक्सिमम मैंने जो आप सभी को कहा था कि 140 मैक्स रखेंगे स्पीड, उतनी ही रखते हैं अब। वाओ यार अपना मतलब 140 पे तो लग रहा है कि ट्रेन भाग रही है। वाह यार मज़ा आ गया आज की जर्नी में, तो लोको चेंज दिखा दिया, हाई स्पीड एक्शन हो गया, और क्या चाहिए यार, आगे ओवरटेक भी होंगे अभी तो। एंड बाय द वे गाइस इस एक्टिविटी में ओवरटेक एक तो समझ आता है कि एक शताब्दी एक्सप्रेस से हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है। एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेन भी आपको ओवरटेक कर सकती है थ्रू आउट दी जर्नी। एंड बाय द वे गाइस ये चीज़ क्या है यार, ये मैंने वटवा शेड का देखा था, शेड कह दिया, वटवा स्टेशन का मतलब बाहर, मतलब मैं जब भी ये विवेक एक्सप्रेस यहाँ से लेकर जाता हूँ
तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ क्या है, ये जो बिल्डिंग टाइप बनी रहती है, ये यहाँ की शेड है क्या? वटवा शेड के जो लोकोमोटिव होते हैं आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में कि वटवा जो शेड है वो एग्जैक्टली है किधर। एंड बाय द वे गाइस, जो हमने स्टार्टिंग में अहमदाबाद स्टेशन पे एक लोको शेड देखी थी, वो जहाँ तक मेरे को लगता है लोको शेड नहीं थी, वो ट्रिप शेड थी। मतलब ट्रिप शेड एक तरह से ऐसी चीज़ होती है जो लोको शेड से अलग चीज़ है। वहाँ लोकोमोटिव्स आके अपना रेस्ट कर सकते हैं एंड मे बी उनका मतलब थोड़ी चेकिंग वगैरह भी हो सकती होगी, मेरे को कंप्लीट नॉलेज नहीं है उसके बारे में। भाई 150 पे जा रही है अपनी ट्रेन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ अपनी स्पीड पे, और अपनी ट्रेन तो मज़े में निकल रही है 150 के ऊपर। क्या करते हैं यार हम भी, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे। एंड ये आप देख सकते हैं वटवा स्टेशन के मतलब बीच में से कोई पाइथन ट्रेन को ये निकाल रहे होंगे। अब जब विवेक एक्सप्रेस आएगी तो सिग्नल नहीं मिलेगा भाई पाइथन को भी। इस गज अपने पीछे ना शताब्दी भी चल रही है, तो थोड़ी प्रायोरिटी अपने को भी मिलती रहेगी। एंड ये भाई हमने क्रॉस किया गीरतपुर स्टेशन, डोंट नो इट्स एग्जैक्टली गीरतपुर, बट हमने क्रॉस कर दिया। एंड डोंट नो गाइस, आगे यार अपने को रेड सिग्नल क्यों दिखा रखा है। चलिए देखते हैं यार क्या सीन है। आई थिंक गाइस, मैं जब से अपनी ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन से लेके आया हूँ, मैंने तब से हॉन्किंग नहीं करी है भाई, आज तो उड़ाएंगे एक ना एक को। अरे यार ये क्या हुआ था, एकदम से ट्रेन आ गई, ट्रैफिक ट्रेन, और ये आई है मिक्स्ड मालगाड़ी। मतलब आपने देखा होगा कुछ मालगाड़ी में सिर्फ एक तरह की वैगन्स नहीं रहती, थोड़ी डिफरेंट रहती हैं, तो वो यही है। तो भाई ये गई मालगाड़ी पीछे, और अब फोकस करते हैं अपनी एक्टिविटी पे। भाई एक्टिविटी पे फोकस करना है तो ब्रेक लगाने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि आगे जो है ना अपने को रेड सिग्नल दिखाया हुआ है, और वो क्यों है ये मेरे को भी नहीं पता। वाओ गाइस, सीधा 140 पे जहाँ तक हमने ब्रेक्स लगाए हैं, और वो भी रेड सिग्नल के पीछे। रियल में होता तो लोको पायलट्स जो मोस्टली करते वो अप्रोच सिग्नल पे ही ब्रेकिंग स्टार्ट कर देते। और ये भाई कोई लगता है पार्सल फ्रेट ट्रेन खड़ी है इन दी लूप लाइन ऑफ बरेजड़ी नांदेड स्टेशन। आई थिंक मेरे को लगता है ये ट्रॉलिंग हो रही है अपनी, अनएक्सपेक्टेड हॉल्ट दे दिया है। तो चलिए 30 मिनट पे अपनी ट्रेन रोक लेते हैं सिग्नल से पहले। एंड भाई लगता है अब अपने को यहाँ पे रुकना पड़ जाएगा अपने सिग्नल के लिए। यार ये चीज़ अच्छी नहीं कर रहे हैं, शताब्दी एक्सप्रेस ना हमारे और क्लोज आ जाएगी। ये और कुछ नहीं है, हमें ओवरटेक कराएंगे पीछे से। शताब्दी एक्सप्रेस पास में ही होगी, और चलिए भाई सिग्नल मिल चुका है तो अभी बजाते हैं अपना हॉर्न, लेके चलो भाई विवेक एक्सप्रेस को। सीधा लगाते हैं 50% की थ्रॉटल पावर, मतलब अपनी यहाँ वेब 7 है यार, थोड़ा मतलब अच्छा है तो एक्सेलरेशन भी सही रहेगी। ये आप देख सकते हैं हम प्रोजेक्टेड स्पीड अभी 50% थ्रॉटल पावर पे कितनी अच्छी दिखा रहे हैं, मतलब 50 के ऊपर चला जाएगा इजीली। अभी ऑटो पायलट को लगाया तो अपना लास्ट जो कोच है मतलब जनरेटर कार विवेक एक्सप्रेस का, वो जैसे ही अपने स्टेशन को टच करेगा एंड से अपनी जो स्पीड है ना गाइस मैक्सिमम वो 100 हो जाएगी। वो थोड़ी मतलब रियलिटी से बिल्कुल
बाहर निकल जाएगी, बियॉन्ड परफेक्शन। भाई अब कोई ट्रैफिक ट्रेन आएगी क्या? ओपन रेस ही दिखा देंगे तो यार अच्छी चीज हो जाएगी। बट लगता है ओपन रेस ही हमसे नाराज हो गए कि 130 की स्पीड में 140 पे क्यों जा रहे थे। 140 भी नहीं गए, 150। भोपाल शताब्दी की सिस्टर चला ली आज हमने। एंड ये आप देख सकते हैं अपने जनरेटर कार पे RM लिखा पड़ा है, रमेश महाजन जी। बाय द वे गाइस, कोचेस का जो क्रेडिट जाता है वो तो जाता है मिस्टर गौरव कुथारी जी को, एंड लोकोमोटिव का क्रेडिट जाता है मिस्टर मोहसिन पटेल जी को। एंड ये रूट है खानदेश रूट, इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। एज यूजुअल इसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मिस्टर रमेश महाजन जी, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ये रूट बाय कर सकते हैं। एंड भाई अपना अगला स्टॉप है नदियाद स्टेशन, जो कि है 32 किलोमीटर। एंड उसके अंदर जहाँ तक अपने को लगता है दो या एक स्टॉप तो मिलने ही वाला है उससे पहले और, क्योंकि ट्रॉलिंग गाइस मैं लगाता ही हूँ हर एक्टिविटी में। अनएक्सपेक्टेड स्टॉप जब से मेरे साथ हुए हैं ना, मुरादाबाद से दिल्ली जाते हुए इन श्रमजीवी, तब से मैंने समझ लिया भाई ट्रॉलिंग जब होती है तो मज़ेदार वाली होती है। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, इस एक्टिविटी का पार्ट में इतना ही कवर कर सकता था। ये जो एक्टिविटी का अगला पार्ट है वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि विवेक एक्सप्रेस मतलब एक्टिविटी थोड़ी कंप्लीट है तो कर देते हैं यार आगे का पार्ट भी। पार्ट टू में ट्राई करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर लाऊं, नेक्स्ट में भी हो सकती है गुजरात मेल या फिर हावड़ा दीघा AC एक्सप्रेस जो कि पेंडिंग थी। तो चलिए गाइज अब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ गई हो, वरना कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगली वीडियो की आप मतलब कौन सी देखना चाहते हैं आप बता सकते हैं। एंड बाय द वे यार अभी तो मेरे को यहाँ से जाते टाइम ये जो सीनरी है ना अपने लेफ्ट हैंड साइड में, ये काफ़ी मज़ेदार लग रही है। यहाँ से अपनी मतलब व्यू हट नहीं रहा अपनी आँखों का, उधर ही जा रहा था। टू गुड सीनरी, हैट्स ऑफ टू मिस्टर रमेश महाजन जी। सो गाइस कमेंट करके आप बता सकते हैं आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि वो बना पाऊँ। सो अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस देखते रहें। बाय बाय ऑल, टेक केयर, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियोस में।